एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक्यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम हजरत शीत अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे एक कौवे के जरिए भाई की लाश को दफनाने का तरीका भी बतला दिया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। अब उसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस पर शैतान ने उसे घर से भाग जाने की तलकीन की। शैतान को ये डर था कहीं आदम अलैहिस्सलाम के पास गया तो तौबा इस्तगफार न कर ले और फिर से राह हक पर ना आ जाए। तो शैतान ने उसे कहा कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। तो काबील यमन फरार हो गया और वहीं रहने लगा। उसने शादियां भी की जिससे कसीर औलाद पैदा हुई। काबील ने अपने वालिद के दीन हक से हटकर पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबील और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़ा और बुत परस्ती शुरू कर दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मासूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील को मिलता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे की कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमजदा हुए, क्योंकि हाबील बहुत नेक फरमाबरदार नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ की बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा और इसी हसद ने काबील को हाबील के कत्ल की तरफ उभारा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी माउन और मददगार हो और दुनिया में तेरी वादानियत के अलमबरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और नेक साले बेटे की बशारत दी। यूं कुछ अरसे के बाद हजरत शीत अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत शीत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। शीत का मतलब है अतिया खुदावंदी। हजरत शीत अलैहिस्सलाम शक्ल सूरत और आदात के अतबार से अपने वालिद से बहुत मुशाबे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि उनके बाद ये बेटा उनका जानशीन होगा, इसलिए वो हर वक्त उस बेटे को अपने साथ रखते और उसकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीत अलैहिस्सलाम को जन्नत के अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान कराते। जो जो हजरत शीत अलैहिस्सलाम बड़े होते रहे उनकी पोशीदा सलाहियतें उभरती गईं और वालिदैन की तरबियत रंग लाती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दरस तदरीस तबलीग के मुनफरिद तरीके सिखाए। उन्हें दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में होने वाली इबादतों की तलकीन की। इसके अलावा तूफान नूह के बारे में भी आगाह किया और जो कुछ उसके बाद आना था उन सब के बारे में भी अपने बेटे को आगाह किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उनका एक बेटा कत्ल हो गया था, दूसरा शैतान के बहकावे में आ गया था। अब अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने में और शैतान की शिर्क का मुकाबला करने के लिए हजरत शीत अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक उनकी तदफीन की। अल्लाह ताला ने हजरत शीत अलैहिस्सलाम को नबुवत अता फरमाई और उन्हें कसीर औलाद अता की। उनकी औलाद नहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग के कामों में मसरूफ रहती। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने आसमान से 100 सहीफे और 4 आसमानी किताबें नाजिल की। उन 100 सहीफों में 50 हजरत शीत अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए गए। अब तबलीग का काम हजरत शीत अलैहिस्सलाम का था। उधर काबील जो नर्म जमीन में आबाद हो चुका था, उनकी औलाद ने फिर से फितना फसाद शुरू कर दिया। उन्होंने सरकशी इख्तियार की, कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था। वो आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से जब भी गुजरते तो वहाँ भी फसाद बरपा करते। हजरत इब्ने अब्बास सूरत अल-अहज़ाब की आयत 33 की तफसीर में बयान फरमाते हैं, पुराने जमाने की जाहिलियत की तरह अपने बनाओ का इजहार न किया करो। उस वक्त दो नस्लें आबाद थी, एक पहाड़ों पर दूसरी जमीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश शक्ल थे और औरतें स्याह फाम थी, जबकि जमीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इबलीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी रूप में नर्म जमीन वाले लोगों के पास गया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी की शक्ल की एक चीज ईजाद की
और इसको बजाने लगा। लोग इसकी आवाज पर लट्टू हो गए और इसके इर्द गिर्द भी लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया। इसमें हजारों मर्द और औरतें जमा होने लगी। इत्तफाक से वहाँ एक दिन पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न और जमाल को देखा तो उसने अपने कबीले के लोगों से उसके हुस्न और जमाल का जिक्र किया। अब वहाँ के लोग कसरत से मैदानी इलाकों में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तलात बढ़ा, बदकारी और जनाकारी आम हुई, जबकि ये काम शरीयत शीत इस्लाम में आम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ताला कौल कि यही तफसीर है और कदीम जाहिलियत से मुराद यही है, क्योंकि इन लोगों ने जमीन में एक अजीम फसाद और फितना बर्पा कर रखा था। हजरत शीत इस्लाम अपनी कौम को समझाते रहे कि इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेलजोल ना रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा और शीत इस्लाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबिल की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही जिंदगी बसर करते रहे। हजरत शीत इस्लाम ने अपनी हर कोशिश की कि लोगों को राह हक पर ले आए। हजरत शीत इस्लाम के जमाने में ही नाच गाने और जना की इब्तदा हुई। शैतान ने मौसीकी की धुन से गुनाह का आगाज किया। शैतान ने जो बांसुरी नुमा शक्ल की चीज बनाई थी उससे वो लोगों को सांस और गाना बजाना सिखाता था और लोग दीवाना वार उसके पीछे आते थे। शैतान ने काबिल की नस्ल को शैतानियत सिखा दी थी। बहुत फसाद बर्पा हुआ, बदकारी आम हो गई। हजरत शीत इस्लाम लोगों को हिदायत देते रहे मगर ईमान वाले लोग बहुत कम रह गए और काबिल की नस्ल में बहुत इजाफा हो गया। लोग इसी तरह से जिंदगी बसर करते रहे। हजरत शीत इस्लाम ने 930 साल की उम्र में वफात पाई। वफात से कबल हजरत शीत इस्लाम ने कुछ कीमती नसीहतें की जो कि हमारे लिए क़यामत तक के लिए हिदायत का जरिया है। उन्होंने फरमाया, हकीकी मोमिन वो है कि जिसमें ये खसलतें मौजूद हों। नंबर एक, खुदा को एक पहचानना। नंबर दो, नेक और बद को जानना। नंबर तीन, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाना। नंबर चार, माँ बाप का हक पहचानना और उनकी खिदमत करना। नंबर पाँच, सिला रहमी करना। नंबर छः, गुस्से को हद से ज़्यादा ना बढ़ाना। नंबर सात, मुहताजों और मस्कीनों को सदका देना और रहम करना। नंबर आठ, गुनाहों से परहेज और मुसीबतों में सब्र करना। नंबर नौ, शुक्र इलाही का जिक्र यानी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते रहना। तो ये था हज़रत शीत इस्लाम और उनकी कौम का किस्सा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।